Hi student, this is a Prachi Miss and now we will start subject English grammar lesson number 2 pronoun. So in we already discussed about noun in a last video. Now let's learn about pronoun. What is the pronoun? Pronoun kya hai? So first we can see some pictures. Okay, so here the first picture, there is a girl and the sentence is I am a Sony. So ye girl hai, वो कौन है? सोनी है. सो आई एम अ सोनी, मैं सोनी हूँ, ऐसा इसमें दिया है ये सेंटेंस में. देन द नेक्स्ट सेंटेंस हियर आल्सो दे आर गिवन योर गर्ल पिक्चर एंड द सेंटेंस इज शी इज ए गर्ल. यहाँ पे क्या दिया है? शी इज ए गर्ल, गर्ल है, इसीलिए एस एच ई शी का यूज किया है. देन नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ, यहाँ पे एक बॉय का पिक्चर दिया है. सो क्या लिखा है? ही इज ए बॉय, ये बॉय है, इसके लिए एच ई ही यहाँ पे इधर लिखा है. ओके, देन नेक्स्ट दे आर गिव यू टू फ्रेंड्स पिक्चर्स. ओके, सो सेंटेंस ऐसा है, वी आर फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है? फ्रेंड्स है. सो दोनों मेंशन करने के लिए, बोथ मेंशन करने के लिए क्या लिखा है? डब्ल्यू ई वी, वी आर फ्रेंड्स. ओके, देन दे आर गिवन यू अ डॉग पिक्चर एंड द सेंटेंस इज इट इज माई पेट डॉग. ओके, सो फॉर शोइंग डॉग दे आर यूजिंग ई टी, आई टी, इट. सो यह मेरा डॉग है. ओके, देन नेक्स्ट पिक्चर इज देर आर सम चिल्ड्रन सिटिंग इन अ बेंच. सो एंड द सेंटेंस इज दे आर स्टूडेंट्स, वो कौन है? स्टूडेंट्स है. तो ये सभी को बताने के लिए क्या वर्ड यूज किया है? टी एच ई वाई, दे. ओके, देन नेक्स्ट पिक्चर देर आर सम बॉयज प्लेइंग विद द फुटबॉल. ओके, सो हियर वॉट दे आर यूजिंग इन अ सेंटेंसेस, दे आर प्लेयर्स, ये सभी खिलाड़ी है. तो ये सभी को मेंशन करने के लिए क्या वर्ड यूज किया है? टी एच ई वाई, दे. ओके, सो द वर्ड आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे आर प्रोनाउन. सो इन होल द सेंटेंसेस वी ऑलरेडी सी द वर्ड आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे. सो दीज वर्ड आर ए प्रोनाउन. ये वर्ड क्या है? प्रोनाउन है, इसको हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है. ओके, सो इसको कैसे यूज करना है ये अभी मैं आपको बताती हूँ. ओके, सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ द प्रोनाउन. ओके, सो अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन और नाउन इन ए सेंटेंस. सो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और नाउन इन अ सेंटेंस, मतलब एक नाउन के जगह पे लिखा जाता है. ओके, सो सभी ने पढ़ा है अभी हम लोग ने, व्हाट इज द नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस. ओके, नाउन क्या होता है? किसी पर्सन का नाम होता है, थिंग का नाम होता है, एनिमल का नाम होता है और प्लेस का नाम होता है, बराबर. सो ये सब जो नाउन होते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस नाउन वी कैन राइट द प्रोनाउन. हम ये नाउन के जगह पे, ये नामों के जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं. ओके, सो सभी को ये याद रखना है कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह यूज होता है. ओके, अगर ये आपको समझ में आया तो प्रोनाउन कैसे यूज करना है आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, एंड इट प्रोनाउन इज इम्पॉर्टेंट वर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग इन अ इंग्लिश. जब भी हम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं सो प्रोनाउन का यूज बहुत बड़ा रहता है. सो अगर आपको प्रोनाउन समझ में आ जाए तो इट्स ईजी टू टॉक इन अ इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश में आसानी से बात कर सकते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हाउ टू अंडरस्टैंड प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसे नाउन की जगह पे लिखा जाएगा ये समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आई रीड होल द सेंटेंसेज देन आई एक्सप्लेन यू. मिस्टर राम इज ए टैक्सी ड्राइवर. मिस्टर राम ड्राइव्स टैक्सी इन होल डे. मिस्टर राम इज ए गुड पर्सन. ओके, सो हियर आई रीड द थ्री सेंटेंसेस एंड इन दैट थ्री सेंटेंसेस आई रिपीटेड वन नेम, मिस्टर राम, मिस्टर राम, मिस्टर राम. यहाँ पे मैंने थ्री सेंटेंस रीड किए और ये तीनों सेंटेंसेस में मिस्टर राम, मिस्टर राम, मिस्टर राम, ये तीनों सेंटेंस क्या हुए? रिपीट हुए, बराबर. सो इंस्टेड ऑफ मिस्टर राम वी आर राइट हियर प्रोनाउन. ओके,
So instead of repeating Mr. Ram in all the sentence, we use pronoun. हम लोग ये जो मिस्टर राम है इसके जगह पे प्रोनाउन का अगर यूज़ करते हैं सो इट्स ईजी टू रीड द सेंटेंस, हमें सेंटेंस रीड करने के लिए भी ईजी होगा और ये ऐसा हम लोग अच्छे से लिख भी पाएंगे. ओके सो हाउ इट, लेट्स सी हाउ, ये अभी हम लोग कैसे करेंगे. नीचे मैंने यहाँ पे आपको आंसर भी दिया है. सो मिस्टर राम इज़ ए टैक्सी ड्राइवर, ही ड्राइव्स टैक्सी इन अ होल डे, ही इज ए गुड पर्सन. सो देखा मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा है, जो मिस्टर राम था जो 3 times मैंने पहले सेंटेंसेस में लिखा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 time ही मिस्टर राम मेंशन किया है और उसके बाद जब भी मिस्टर राम आया है वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एच ई ही बराबर ही लिखा है. ही क्यों लिखा है, बिकॉज मिस्टर राम ये एक बॉय का नाम है बराबर. सो इसीलिए उनके जगह पे मैंने एच ई ही लिखा है. ओके इससे इसके वजह से वो सेंटेंसेस रीड करने के लिए भी आसानी होगी एंड राइट करने के लिए भी आसानी होगी. ओके सो ये जो एग्जांपल है इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि जो भी रिपीटेशन आते हैं नाउन के उसमें हम लोग प्रोनाउन का यूज़ कर करके ईजीली वो वर्ड लिख सकते हैं. सो नाउ द लिस्ट ऑफ नाउन रिप्लेस विथ ही शी इट एंड दे, यहाँ पे कुछ नाउन का लिस्ट है जो कि हम लोग ही शी इट और दे ये वर्ड में सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. ओके सो मैं फर्स्ट एच ई ही का रीड करूँगी जो नाउन के वर्ड यहाँ पे दिए हैं. सो राम, डैड, डॉक्टर साहिल, मिस्टर अंश. So instead of these words we are using h e he pronoun. Okay, then next s h e she. So the word is Rani, mom, Dr. Neha, Mrs. Deepa. So instead of these noun we are writing s h e she pronoun. Okay, then next is i t it. अभी यहाँ पे nouns के जो word है मैं read करती हूँ, house, school, बस, एप्पल. सो इंस्टेड ऑफ दीज वर्ड्स वी आर यूजिंग आई टी इट प्रोनाउन. देन नेक्स्ट इज द वर्ड्स आर चिल्ड्रन, मॉम एंड डैड, प्लेयर्स, फ्लावर्स. सो इंस्टेड ऑफ दीज वर्ड्स वी आर यूजिंग टी एच ई वाई दे प्रोनाउन. ओके सो ये जो चार्ट है इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग प्रोनाउन कौन कौन से नाउन के लिए लिख सकते हैं. ओके then the question number 1 is replace the noun with the pronoun. So here I give you some sentences and in that sentence I underline the noun and this noun we have to replace in a pronoun. Okay, जो यहाँ पे sentences पे मैंने noun को mention किया है, देखो underline करके दिया है, जो underline किया हुआ word है वो noun है और उसको हम लोग को pronoun में replace करना है. So वो कैसे करना है मैं अभी आपको बताती हूँ. और जो pronoun में replace किए हुए word है उसको मैंने bold letter में लिखा है. Okay, so first is Tony is happy, then answer is he is a happy. So here Tony को मैंने replace किस में किया है, h e he में. ओके सो ही इज़ अ प्रोनाउन. देन सेकेंड सेंटेंस, रिया एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स. सो आंसर इज दे आर गुड फ्रेंड्स. सो इंस्टेड ऑफ रिया एंड श्याम आई राइट हियर टी एच ई वाई दे. देन थर्ड सेंटेंस, प्रिया वेंट टू मूवी विथ पेरेंट्स. देन आंसर इज शी वेंट टू मूवी विथ parents. So here noun is a Priya and the pronoun I write here she, she, because Priya is a girl name, that's why I write here she. Then fourth, me and my sister played games and the answer is we played games. So instead of me and my sister I write here we. Okay, then fifth, Rajiv asked Meera if Meera want Rajiv's bag. So here we can see the repeated name is Rajiv and Meera again. Okay, so that's why the answer is Rajiv ask Meera. So यहाँ पे मैंने underline देखो अभी आगे किया है, फिर से ये repeat हुआ इसीलिए मैंने जो आगे repetition में word आए हैं उसको underline किया है. So
For Meena, I write here SHE she, and for Rajiv, I write here he's. Okay? So Rajiv asked Meera, she want his bag. Okay? Then sixth, the tree is green. So answer is it is green. Instead of tree, I write here it. Okay? Then seventh, boys are playing. So answer is they are playing. So बॉयज़ ये नाउन है, उसकी जगह पे प्रोनाउन क्या लिखा है, टी एच ई वाई दे. ओके, देन एट इज सीमा एंड आई आर डूइंग स्टडी. सो आंसर क्या आएगा, वी आर डूइंग स्टडी. ओके, सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड प्रोनाउन. ओके, सो यू हैव टू रीड द गिवन एंड राइट द क्वेश्चन एंड आंसर वन टाइम. ओके.